जैसे कि हम लोग सीबीएसई क्लास 10 पॉलीनोमियल्स की सीरीज चालू कर चुके थे और उसमें फोर्थ टाइप तक के क्वेश्चन भी पढ़ चुके थे। आज बारी है हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन की, दैट इज टाइप 5। इसमें हमें एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया होता है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जब हमने टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स पढ़े थे तो हमने तीन पॉलीनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये थे हमारे तीन पॉलीनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 थी तो लीनियर, डिग्री 2 वाज क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 वाज क्यूबिक। अगर हम फोर्थ डिग्री का पॉलीनोमियल कभी देखेंगे तो वो पॉलीनोमियल बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाएगा, राइट? तो फोर्थ डिग्री मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए 4। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दो जीरोस दिए होते हैं और हमें बचे हुए दो जीरोस निकालने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को विद एग्जांपल। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 4 है। अब इस पॉलिनोमियल के हमें सारे जीरोस निकालने हैं इफ टू ऑफ इट जीरोस आर गिवन। यहां पर दो जीरोस दिए हुए हैं, एक है अंडर रूट ऑफ 5/3 और दूसरा है माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3। मैंने यहां पे रूट वाले जीरोस इसलिए लिए हैं ताकि आपको रूट वाले क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएं। तो ये पॉलिनोमियल है, इसके हमें दो जीरोस गिवन है, बचे हुए दो निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले समझ लेते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर मैं एक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट ना लेते हुए एक नंबर से आपको समझाऊंगा। यहां पर मैंने एक नंबर लिया है 210। इसके अगर हम फैक्टर्स निकाले तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, तो यहां पर मुझे फैक्टर्स मिले हैं 2, 3, 5 और 7। ये चार फैक्टर्स हैं। अगर मान लेते हैं मुझे दो फैक्टर्स ऑलरेडी पता होते, सपोजिंगली मैं आपको बोलता हूं कि 210 एक नंबर है, इसके दो फैक्टर्स हैं 2 और 3 और बचे हुए दो फैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? तो यहां पर बचे हुए दो फैक्टर्स हैं 7 और 5, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक नंबर मिलता है 35। इस 35 को अगर मैं फैक्टराइज कर दूंगा तो मुझे बचे हुए दो फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये नंबर हमें कैसे मिलेगा? यहां पर तो हमें दो फैक्टर्स और लिखे हुए दिख रहे थे, तो हमने मल्टीप्लाई करके 35 लिख लिया। मान लेते हैं आपको ये दो फैक्टर्स दिए ही नहीं होते, 5 और 7 दिए ही नहीं होते, तो हम कैसे निकालते? तो हम क्या करेंगे बेटा, देखना। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा, हमको मिला 6। अब 210 को हमने 6 से डिवाइड करा, 6 3 18 मुझे मिल गया 3 एंड 0 6 5 30। तो जब मैंने इस नंबर को इससे डिवाइड कर दिया तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है, जिसके फैक्टर्स निकालकर मुझे बचे हुए दो फैक्टर्स भी मिल जाएंगे, राइट? तो हमने 210 को 6 से डिवाइड करा और 35 को फैक्टराइज कर लिया तो हमें मिल गए बचे हुए दो फैक्टर्स 5 और 7। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट जो हमने नंबर पे अप्लाई करा है, वही कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स पे भी हमें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है देख लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक पॉलिनोमियल था, राइट? ये जो नंबर है इसको हम पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे। ये था हमारा डिविडेंड, राइट? तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस पॉलिनोमियल को गिवन टू फैक्टर से डिवाइड करा, राइट? तो गिवन टू फैक्टर्स हमें कहां से मिलेंगे? यहां पर हमें फैक्टर्स नहीं दिए हैं, हमें जीरोस दिए हैं। तो सबसे पहले हम जीरोस और फैक्टर के बीच का रिलेशन समझ लेते हैं। ये जो जीरो थे, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू होती है। एक एक्स की वैल्यू थी √5/3 और दूसरी एक्स की वैल्यू थी −√5/3, राइट? अगर एक्स इज इक्वल टू 2 0 था तो एक्स माइनस 2 एक फैक्टर था। ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में थ्रू आउट हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा और एक्स प्लस √5/3 हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा, क्लियर है? अब हमने क्या करा था, ये जो दो फैक्टर्स थे इनको मल्टीप्लाई करके हमारे डिविडेंड को डिवाइड करा था।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? यहां पे मुझे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट फाइव बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 5/3। तो ये आ गया है मेरा प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1/3 बाहर, और 3 से अंडर जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिल गया 3x² - 5। ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम निग्लेक्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारा जो पॉलिनोमियल आया है वो है 3x² - 5। अब हम इस पॉलिनोमियल को 3x² - 5 से डिवाइड करेंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें सबसे पहले डिवीजन में इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है, हमें मिलेगा x² 3x⁴ माइनस 5x² हमें लिखना पड़ेगा। यहां पर सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, 6x³ एज इट इज आ गया, यहां से हमें मिला 3x² और बाकी चीजें हमने कर दी कॉपी। 6x³ को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, राइट? तो ये हो जाएगा 6x³ - 10x, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हो गया 3x² और ये हो गया कैंसिल, आ गया -5। अब 3x² को 3x से डिवाइड करा तो बचा 1, 3x² 5 × 1 हो गया 5, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे और रिमाइंडर मिल गया 0। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो समझ लेना या तो आपने यहां कोई गलती करी है या डिवीजन में कोई गलती करी है। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से हमें दो फैक्टर्स और मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को हमको करना पड़ेगा फैक्टराइज। यहां पर है x² + 2x + 1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x² + x + x + 1। यहां से हमने x कॉमन निकाला, अंदर बचा x + 1, यहां से 1 कॉमन निकाला तो अंदर बच गया x + 1। तो यहां हमारे दो फैक्टर्स जो हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, दैट इज x + 1। दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करने पर x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहां पर दो जीरोस भी हमारे आ चुके हैं, मतलब दो जीरोस ऑलरेडी गिवन थे और ये दो जीरोस हमने निकाल लिए हैं। सिंपल सी स्टेप थी, एक बार ब्रीफ में फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों फैक्टर से। ये जीरोस हैं, जीरोस को मल्टीप्लाई करके हम यहां पर फैक्टर्स निकालेंगे और जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को करेंगे डिवाइड। डिवीजन के बाद जो क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने पे आखिरी में जो दो फैक्टर्स मिलेंगे उन फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करने पर एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी वो होंगी हमारे बचे हुए टू जीरोस। जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, आपकी एनसीईआरटी का ही है लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसे भी सॉल्व करके बता रहा हूं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम मेथड है और सेम स्टेप्स हमें अप्लाई करनी है। तो ये हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल और इसके दो जीरोस हमें गिवन है 2 + - √3 और बचे हुए दो जीरोस हमें निकालने हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आप लोगों को होता है वो यहां पर होता है 2 + - √3 क्या है। तो बेसिकली यहां पर हमें जो जीरो दिए हुए हैं, एक जीरो है आपका 2 + √3 और दूसरा जीरो जो है वो है 2 - √3। तो क्या प्रॉब्लम आती है वो भी बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे जब यहां से फैक्टर्स निकालते हैं तो वो एज इट इज 2 + √3 और 2 - √3 को फैक्टर्स ले लेते हैं, जबकि ये फैक्टर्स नहीं है, जीरोस हैं। मतलब जीरो से अगर हमें फैक्टर निकालना है तो हमने अभी सीखा था यहां से फैक्टर आएगा आपका x माइनस इस पूरी वैल्यू को हमें यहां पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये आपका एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा यहां से आएगा x माइनस 2 - √3, इस पूरे को हमने इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर लिया तो ये जो है हमारा दूसरा फैक्टर आएगा, राइट? अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो पॉलिनोमियल आ जाएगा जिससे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलता है डिवाइजर, और जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया होता है वो होता है हमारा डिविडेंड।
और आखिरी में जो हमारा क्वोशेंट आता है उसको हमें करना पड़ता है फिर से फैक्टराइज, और फिर हमें मिल जाते हैं हमारे रिमेनिंग जीरोस। तो आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये एक फैक्टर था, और x माइनस 2 माइनस रूट 3 ये दूसरा फैक्टर था। सबसे पहले हम इनके ब्रैकेट खोलेंगे, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 और यहां मिलेगा x माइनस 2। अब ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस रूट 3, राइट। अब यहां पर दिख रही हैं तीन टर्म्स, तो इसमें हमें करनी पड़ेगी पेयरिंग। x माइनस 2 को हम एक टर्म कंसिडर कर लेते हैं, यहां पर भी x माइनस 2 को हम एक टर्म कंसिडर कर लेते हैं, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब ये आपको देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां से आपको मिलेगा रूट 3 का स्क्वायर जो कि होता है 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 4x एंड 4 माइनस 3 होता है 1। तो ये आ गया है हमारा डिवाइजर। अब इस डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को, तो डिवाइड करते हैं। x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करा तो हमें मिला x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से उस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। इसको करेंगे सब्स्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं साइन रिवर्स, ये हो गया कैंसिल, ये था x टू द पावर 4, ये हो गया कैंसिल। माइनस 6 प्लस 4 होता है माइनस 2x क्यूब, और माइनस 26 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर। बाकी टर्म्स को हमें करना होता है कॉपी, तो यहां से 138x माइनस 35 को कर दिया कॉपी। इस x स्क्वायर को हम यहां लिख लेते हैं, राइट। अब माइनस 2x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करा तो हमें मिला माइनस 2x। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर एंड माइनस 2x। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से साइन रिवर्स हो गया, ये हो गया कैंसिल। माइनस 27 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 35, और यहां पर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 140x और ये हो गया 35। इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो हमें मिलेगा माइनस 35। मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x एंड माइनस 35। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन हो जाएंगे रिवर्स, तीनों चीजें कैंसिल हो गई, रिमाइंडर आ गया जीरो। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बात करी थी, इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर हमेशा जीरो मिलेगा, और जो क्वेश्चन मिलता है इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने पर हमें रिमेनिंग टू जीरोस भी मिल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को फैक्टराइज करेंगे, 35 के फैक्टर्स होते हैं 7 और 5, माइनस 2 चाहिए है तो हम लिखेंगे प्लस 5 माइनस 7, राइट। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, अंदर बच गया x प्लस 5। इन दोनों में से हमने माइनस 7 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस 5। तो x प्लस 5 एक फैक्टर और x माइनस 7 दूसरा फैक्टर, दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 5 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 7। पहली वैल्यू आएगी माइनस 5, यहां से x प्लस 5 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। ये हो गए हमारे रिमेनिंग टू जीरोस। सिंपल था बाकी क्वेश्चन, बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है। तो इसी के साथ आई होप आपको फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है, और अगर समझ आ गया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए जुड़े हैं आज, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ रहा है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।